विश्व हिंदू परिषद की स्थापना दिवस को यादगार बनाने के लिए विश्व हिंदू परिषद इकाई के सदस्य वन विभाग मंडल के कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ मिलकर विश्व हिंदू परिषद मंडी के जिला अध्यक्ष हरमीत सिंह बिट्टू की अगुवाई में पौधारोपण किया गया। इस मौके पर हरमीत सिंह बिट्टू ने परिषद के उद्देश्यों से अवगत करवाया और कहा कि विश्व हिंदू परिषद का उद्देश्य हिंदू समाज को मजबूत करना और अध्यात्मक की रक्षा कर विदेशों में रहने वाले हिंदुओं से तालमेल रखना है और हिंदुत्व की रक्षा के लिए उन्हें संगठित करना है। वहीं डीएफओ मंडी एसएस कश्यप ने कहा कि पूरे प्रदेश में लगभग 12,000 हेक्टेयर भूमि पर पौधारोपण कर 1,20,00,000 के करीब पौधे लगाए जाएंगे, जिसमें से वनमंडल मंडी में करीब 380 हेक्टेयर भूमि पर लगभग 3,00,000 पौधे रोपित किए जाएंगे। पूरे प्रदेश में कह लो या पूरे देश में और पूरे विश्व में अपना स्थापना दिवस मना रहा है और स्थापना दिवस हमारा सौभाग्य है कि ये जन्माष्टमी के दिन ही आता है, क्योंकि 29 और 30 अगस्त 1964 को मुंबई के संदीपनी आश्रम में इसकी स्थापना हुई थी, इसकी परिकल्पना हुई थी और दो दिन के मंथन के बाद विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई। इसी चीज़ों को, इसी मूल उद्देश्य को सामने रखते हुए आज हम अपना यहाँ स्थापना दिवस भी मना रहे हैं जन्माष्टमी वाले दिन, और जन्माष्टमी की भी मैं सभी को, धर्मावलंबियों को, सनातन प्रेमियों को, सभी हिंदू धर्म के लोगों को इसकी हार्दिक बधाई देता हूँ। और हमारा जो स्थापना दिवस है इसकी मैं सभी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को और सदस्यों को हार्दिक बधाई देता हूँ। उज्ज्वल हिमाचल के लिए मंडी से उमेश भारद्वाज की रिपोर्ट।